अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी, तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लेरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं। लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का, और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष, मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। विष्णुदत्त शर्मा, हाँ, क्या आपने अपनी बात खत्म कर दी ना? सर जवाब देना है। आप आपने कहा सर जवाब देना है। आपने ये कहा अग्नि, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने आपके शब्दों को बोला कि अग्नि, सर एक मिनट, मेरा नाम लिया सर, हाँ तो मैं बोलने दूंगा आपको, इंडिकेट किया सर, एक मिनट, अग्निवीर पे विषय पर उन्होंने कहा कि मैं सारे विषय पर चर्चा करने को तैयार हूँ, ये काम सर। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई, सर पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर मैं ये कहना चाहता हूं, सर ये सच है सर, और सर भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पनसेशन गया था सर, सर ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।